हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस पार्ट 5। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 101, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन दैट एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 101। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एज 101। तो यहाँ पे देखिए, यदि एक्स अब 101 क्या है, 101 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब 101 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 101 से डिवाइड होगा और किसी से यह डिवाइड नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम x प्लस वाई को 101 मानते हैं तो x माइनस वाई 1 होगा, ठीक है। तो यदि ऐसा करते हैं और कोई मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 101 देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इसको आसान है, इसको प्लस यदि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 102, यहाँ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना, 51। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बैठा दीजिए तो y का वैल्यू निकल आएगा, y का वैल्यू कितना, यहाँ पे 51 बैठा दिए तो उधर ले गए तो 50 हो गया, 101 माइनस 51 50 हो गया, y इज इक्वल टू 50 हो गया, x और y का वैल्यू आपका निकल गया। अब x और y का जब वैल्यू आप निकाल लिए तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो x का वैल्यू 51 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5101, ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर, इसके कितने डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 होता है, किसे किसे ये डिवाइड होंगे, एक 1 से डिवाइड होंगे, एक 3 से डिवाइड होंगे और एक 9 से डिवाइड होंगे, और किसी से ये डिवाइड होंगे, नहीं। उसी तरह हम 5 स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 25 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 स्क्वायर लेते हैं, ये 1 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा और 121 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम ये क्या पाते हैं कि ये किस तरह के नंबर हैं, यह प्राइम के स्क्वायर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स, आंसर हो जाएगा द स्क्वायर। Of squares कर दीजिए, of prime numbers numbers have exactly 3 divisor,
डिवाइजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स पी इज पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस वन अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए p इज इक्वल टू हम पहले 3 लेते हैं तो क्या हो जाता है ये एक्सप्रेशन p स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाता है, 3 इंटू 3 हो जाता है और माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर मतलब ये 9 हो गया और प्लस ये 9 हो गया माइनस 1 हो गया। इसका मतलब 9 9 18 माइनस 1 ये 17, ये एक प्राइम नंबर है। ये आंसर हो गया सिर्फ p इज इक्वल टू 3 के लिए, ये आंसर हो गया। अच्छा, लेकिन यदि दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं, मान लीजिए p इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस यहाँ पे ये 15 होता है और माइनस 1, ये हो गया 39। ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा जो 9 प्लस 9 प्लस या 9 का मल्टीपल और माइनस 1, ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बार आएगा p इक्वल टू 3 के केस में। इसलिए सिर्फ p इक्वल टू 3 के केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n इन द रेंज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड लेस देन इक्वल टू 40 सच दैट द प्रोडक्ट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 अप टू 3 2 एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय n। ठीक है, ये n से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह कब n से, ये वाला ये जो प्रोडक्ट है यह कब n से डिविजिबल नहीं होगा, जब इस प्रोडक्ट में n का कोई फैक्टर नहीं होगा तब तक ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसको करने पे, हल करने पे n ना आए, n नहीं आता है एज ए फैक्टर, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तब n कब नहीं आएगा, जब n कोई n एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय n ओनली when this product does not contain n, a product n contain नहीं करता है तब तक वो divisible नहीं होगा। ठीक है, अब that is n is a prime number, prime number। ठीक है, तो n जब prime number होंगे तो इसका product n से divide नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि prime number का factors खुद 1 और वो खुद वो number होता है और दूसरा कोई factors होता नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे जो रेंज दिया है इसके बाद क्या प्राइम, इसमें क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं। इसमें प्राइम नंबर होते हैं एक 13, 12 के बाद 13 होता है, दूसरा क्या होता है 13 के बाद 17, तीसरा 19, चौथा 23,
उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37 और उसके बाद 40, लेस देन 40, इतने ही हैं। तो कितने हो गए? 7, तो इज इक्वल टू 7 नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट 1998, 1999 and 2000 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 1998 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर इस केस में कितना आता है? इस केस में रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, उसके बाद एक बार आपको सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला डिवीजन अपने आप निकल आएगा। तो 1999 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो इस केस में रिमाइंडर बिना डिवाइड किए 4 आया, क्योंकि 98 में 3 आया था, 98 में 99 में 4 आएगा, उसके बाद वाला भी 2000 में को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, करेक्ट। तो 3, 4, 5 आ गए। ठीक है, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई है 1998, 1999 और 2000 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसका रिमाइंडर भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 को अल्टीमेटली हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 2004 इज डिवाइडेड बाय 7। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 2 into 2 कितने बार हो रहा है? ये 2004 times, इतने बार 2 आ रहा है, लेकिन 2 क्या है? 7 से छोटा है। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि इसको मिला के इसके प्रोडक्ट का ऐसा नंबर लेंगे जो कि 7 से बड़ा हो, तो 3 2 ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई 8 into 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 into 8 करके ये 2004 टाइम्स, ये घट के कितना हो जाएगा? 6 6 8 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हम इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? 8 का पावर 6 6 8 हो गया। ठीक है, अब 6 6 8 हो गया, अब इसका मतलब 8 कितने बार है? 6 6 8 टाइम्स है। अब इसको यदि 7 से डिवाइड करेंगे, एक 8 को 7 से डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर आता है? 1 आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आता है, तो इसका मतलब 1 into 1 into 1, इस 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये चलता जाएगा कहाँ तक? 6 8 टाइम्स तक। ठीक है, अब यदि 1 को यदि 6 8 टाइम्स तक हम 6 6 8 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर? हमारा 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 to the power 2004 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 2006 इज डिवाइडेड बाय 7। अब पिछली प्रॉब्लम की तरह पिछले में पावर क्या था? 2004, जो कि 3 से पूरा पूरे डिवाइड जाता था, तो हम 8 हम इस फॉर्म में
कन्वर्ट कर लिए थे, ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना संभव था। लेकिन ये जो केस है ये पूरा पूरी मीन्स 2006 इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसको तो हम 8 के केस में इस फॉर्म में ला नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 2006 को हम कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 8 टू द पावर, ठीक है, 668। अब हम तो 4 रिमाइंडर बचता है, तो 2 रिमाइंडर बचता है, देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 2006 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 18, यहाँ पे कितना बचा, फिर 6 हो गया, 18, यहाँ पे कितना बचा, 26, तो कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, 24, तो 2 आ गया रिमाइंडर। इस 2 को 2 2 जा 4 लिख दिए, ठीक है, इस 2 को 2 2 जा 4 लिख दिए, और बाकी को जैसे हमने इस सम में कन्वर्ट किया था, बाकी को इस सम में जैसे 3 2 मिला के 1 8 बना दिया था, उसी तरह इसको कन्वर्ट करके कितना 668 टाइम्स आ गया था, 8 to the power 668 टाइम्स लिखा था, उसी तरह इसको भी हमने 2006 को 4 इंटू 2 to the power 2006 को 4 इंटू 8 to the power 668 लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब इसका जो रिमाइंडर आया 8 to the power 668 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 into 8 into 8 कहाँ तक लिख सकते हैं, 668 times इतना लिख दिया। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसी तरह सारे 8 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका टोटल रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 4 भी है, हमारे पास 4 भी है, ठीक है, तो 8 into 66, तो 8 to the power 668 का रिमाइंडर हो गया 1, तो 4 into 8 to the power 668 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, आगे के सम्स कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारी YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच।